वेलकम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको उन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो एक स्पेस ट्रैवल में या फिर सैटेलाइट्स के बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता रहना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके अलावा इस वीडियो में हम उन सारी तकनीकें या फिर उस सारे अपलिफ्टमेंट्स की बात करेंगे जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने की है अपने स्पेस एक्सप्लोरेशन को बढ़ाने के लिए। एंड प्रीवियस वीडियोस में मैंने जो क्वेश्चन पूछा था सोलर सिस्टम के ऊपर कि सोलर सिस्टम में कोलैप्स इफ देयर इज नो ग्रेविटी, उसका आंसर मुझे शर्मिला जी ने अपने कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के दिया है। आप शर्मिला जी, आपने थोड़ा बहुत अपने व्यू पॉइंट से एक अच्छा आंसर प्रपोज किया है एंड कुछ हद तक वो सही भी है। मैंने इसका जो सुपर सोलर सिस्टम में जो ग्रेविटी नहीं रहेगी तो कोलैप्स होगा या नहीं होगा, इसके बेसिकली मैंने एक छोटा सा एक वीडियो मैंने दिया था इसके पहले स्टार्ट टू ग्रेविटी में ही, कि हमारा जो सोलर सिस्टम में अगर मून रिवॉल्व कर रहा है के इर्द गिर्द या फिर ऑल प्लैनेट्स आर रिवॉल्व अराउंड द सन, ऑल द थिंग्स प्रेजेंट इन द सोलर सिस्टम और इन द यूनिवर्स आर पर्टिकुलरली डूइंग सर्टेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ थिंग्स विद अमाउंट ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट, ये याद रख लो। एंड हमारे यूनिवर्स में भी माइक्रोग्रेविटी है, इसका उल्लेख किया गया है नासा के उनके वेबसाइट्स में आप जा के देख सकते हो या फिर इसरो के वेबसाइट्स में आप जा के देख सकते हो। एंड माइक्रोग्रेविटी के बारे में मैंने छोटा सा एग्जांपल भी दिया था कि जो एस्ट्रोनॉट है उसका वेट से डबल वेट वाला या फिर ट्रिपल वेट वाला चीज़ को भी वो अपने फिंगर टिप में घुमा सकता है। व्हाई डज इट हैपन, क्योंकि माइक्रोग्रेविटी उसको वो ताकत देती है उस चीज़ को छूने की या फिर फ्लोट करवाने की उस चीज़ को। इवन एस्ट्रोनॉट्स डू फ्लोट इन द स्पेस। तो सोलर सिस्टम विल कोलैप्स इफ देयर इज नो ग्रेविटी, दैट इज अ ट्रू क्वेश्चन। एंड यस, इट विल कोलैप्स इफ देयर इज नो ग्रेविटी। व्हाई डू वी नीड ग्रेविटी, उसका मैंने आंसर अभी दे दिया, माइक्रोग्रेविटी होगा तो ही एस्ट्रोनॉट्स फ्लोट कर पाएंगे, दे विल फील दैट दे आर वेटलेस। यहाँ पे वेटलेसनेस की प्रॉपर्टी भी आती है। तो आज के ये वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का ये वीडियो बेसिकली हम लोग जैसे शुरुआत करेंगे उस जगह पे, मैं आपको इसके पहले प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था स्पेस एक्सप्लोरेशंस में कि हम लोग अलग अलग सैटेलाइट्स यूज़ करते हैं। सैटेलाइट्स में बेसिकली नेचुरल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये दो मेन टाइप का सैटेलाइट्स है। नाउ बेसिकली आपको ये पता रहेगा कि नेचुरल सैटेलाइट हमारे अर्थ का कौन सा है, इट इज़ नथिंग बट मून। Moon is the natural satellite that is revolving around the Earth. And एक और बात इसमें एक नई चीज मैंने जो आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज की तरह प्रोवाइड कर रहा हूँ वो है इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 11.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा। ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। अब इसके अलावा हम लोग का जो ये नेचुरल सेटेलाइट का जो फिनोमिनन है इसका मतलब क्या होता है, वॉट इज मीन बाय नेचुरल सेटेलाइट। A satellite which does not need any such equipments or any man-made materials to revolve around a planet or any other in the solar system or the space debris. Such type of satellite is called as natural satellite. कोई भी ऐसी चीज जिसमें इंसान की तकनीकी या फिर उसके equipments की सहायता के बिना वो खुद revolve कर सकता है किसी और planets के ऊपर इर्द गिर्द या फिर sun के इर्द गिर्द, तो उसे हम नेचुरल सैटेलाइट करते हैं। बट नेचुरल सैटेलाइट से हमें बेसिकली सिर्फ एक चीज़ पता चलती है या फिर क्लाइमेटिक चेंजेस होती है, वेदर कंडीशन, वेदर फोकास चेंज होता है। इसके अलावा नेचुरल सैटेलाइट से हमें कोई और कोई रिजल्ट्स नहीं मिलते। अभी मून जो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, मून के वजह से व्हाट ऑल थिंग्स हैपन इन अर्थ, ये आपको एक बेसिकली एक डिफरेंट सवाल रहेगा मैं अभी पूछ रहा हूँ तो भी, एंड आपको दिमाग में ऐसा भी आता रहेगा मून के वजह से हमारे अर्थ में क्या होगा। तो आपको बताने के लिए मुझे अच्छा लगेगा कि मून के वजह से हमारे अर्थ में क्लाइमेटिक कंडीशंस तो होते ही रहते हैं चेंज, लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ होता है जो है हम लोग बेसिकली बोलते हैं टाइड्स। ये नाम आपने बहुत जगहों पर सुना रहेगा, मुंबई के जुहू चौपाटी बीच या फिर हमारा जो दादर वर्ली सीलिंग का जो है वहाँ पे सब टाइड्स होता है, हाई टाइड लो टाइड सब होते हैं। व्हाई डज इट टाइड ऑकर, हाउ डज इट ऑकर, ये सारे के सारे चीज़ें
मून के रेवोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। मून अगर 90 डिग्री वर्टिकली फेस कर रहा है अर्थ पे, तो हाई टाइड होता है एक जगह पे, एंड जहाँ पे हाई टाइड हो रहा है उसी के हॉरिजॉन के नीचे जो वर्टिकली जो 90 डिग्री रहेगा उस जगह पे उधर लो टाइड रहेगा। अब ये आपको एक फंडामेंटल फिनोमेनल लगेगा कि मून के रेवोल्यूशन के ऊपर टाइड डिपेंड होता है। तो अर्थ के हिसाब से हमें क्या मिलता है, इफ नेचुरल सैटेलाइट्स ब्रिंग टाइड्स, व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट अ नेचुरल सैटेलाइट कैन डू टू स्पेसिफाई अर्थ और एनी अदर प्लैनेट टू मेक और फोकस्ड एनीथिंग। तो यहाँ पे एक और चीज़ हमारे, हम लोग बेसिकली ज्योग्राफी अगर पढ़ेंगे तो हमको एक और चीज़ हमें मालूम पड़ता है कि एक्लिप्स जो होता है उसमें भी मून की सहायता कभी कभी हमें लेनी पड़ती है। लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स हम लोग बोलते हैं। द पोजिशन ऑफ मून चेंजेस और अर्थ चेंजेस, सन चेंजेस, सन मून अर्थ होता है या फिर अर्थ मून सन होता है, सर डिफरेंट पैटर्न्स रहते हैं। इन पैटर्न्स में भी हमें कुछ मिलता है। तो बेसिकली नेचुरल सैटेलाइट हमारा मून है, मून के कारण हमारे टाइड्स होते हैं हमारे अर्थ में। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स एंड सोलर एक्लिप्स जो ईयरली होते हैं। अब इसके अलावा हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कौन कौन से हैं एंड व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बेसिकली? दोस्तों आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर नथिंग बट दे आर मैन मेड, सच सैटेलाइट्स विच आर मैन मेड एंड आर प्रोजेक्टेड इन द स्पेस थ्रू रॉकेट टू रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट एंड गेट सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द स्पेस मूवमेंट्स और एनी अदर थिंग्स विच इज एक्टिंग इन स्पेस। कुछ नई तकनीकी चीज़ हमें मिलती है, उसको एक्सप्लोर करना है तो हमें मैनमेड सैटेलाइट को भेजना पड़ेगा, प्रोजेक्ट करना पड़ेगा थ्रू द हेल्प ऑफ रॉकेट्स। अब यहाँ पे भी बहुत सारे टाइप के सैटेलाइट्स को हम लोग ने भेजा है, इंडिया ने भेजा है, अलग अलग देशों ने भेजा है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो मेन स्पेसिफिक अगर बोलूँ इस सैटेलाइट जो हम लोग को भेजा गया था उन जगहों पे, तो इस जगह पे हम लोग जो बेसिकली हम लोग इस बात में बात करेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का, तो जो मेन इसरो ने भेजा है दैट आर नथिंग, दे आर PSLV रॉकेट्स से जो भेजा गया है एंड GSLV। ये दो रॉकेट्स से जो हम लोग को भेजा गया है सैटेलाइट्स, इन दोनों सैटेलाइट्स का बहुत ज़्यादा अलग अलग काम किया गया है। एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करूँ तो दे आर मेनली सेंट इन टू द स्पेस फॉर कनेक्टिंग सर्टेन इन्फॉर्मेशन लाइक टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, वेदर फोकस, GPS लोकेशन। अगर आपको ढूंढना है, आप एक जगह पे आप घूम गए हो समझो, तो वो किसी और को कैसे मालूम पड़ता है थ्रू सैटेलाइट में, या फिर हम लोग को एक स्पेसक्राफ्ट को हम लोग को एक प्रोजेक्ट करना है स्पेस में, देन टू वी नीड सैटेलाइट्स, सर्टेन सैटेलाइट टू रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट। इसके अलावा हम लोग अगर जानना है कि व्हाट आर द वेदर कंडीशंस और हाउ द टाइड्स विल ऑकर, हाउ द क्लाइमेटिक कंडीशंस विल चेंज, व्हाट आर द डिफरेंट कैलामिटीज दैट आर गोइंग टू हैपन इन अ प्लैनेट, ये सारे के सारे चीज़ हमें एक सैटेलाइट से मालूम पड़ती है। तो बेसिकली हम लोग के इसरो ने ये दो बड़े और अच्छे प्रोजेक्ट्स को निकाले थे इन विच 2500 किलोग्राम्स के ऊपर के सैटेलाइट्स को भी हम लोग ने प्रोजेक्ट किया है। और यहाँ पे सबसे अहम बात यह है कि हमारे इसरो के जो ऑर्गेनाइजेशन ने जो सैटेलाइट्स भेजे हैं उनके अलग अलग कार्यों के लिए उन्होंने अलग अलग सैटेलाइट्स को भेजा है। जैसे कि अगर आपको मालूम होगा इनसैट, GSAT, IRNSS, ये तीन टाइप के सैटेलाइट्स हैं, इन तीनों का अलग अलग काम होता है। एंड फॉर मोर इंफॉर्मेशन, ये दोनों जो सैटेलाइट्स हैं दे आर शूट आउट थ्रू GSLV रॉकेट, IRNSS इज शूट आउट थ्रू PSLV रॉकेट। ये आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ मैं। एंड यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ इसका फुल फॉर्म, सबसे पहली बार इनसैट का जो फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम्स है, GSAT का जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट सिस्टम्स। अभी इसके अलावा हमारा जो IRNSS है इंडियन रीजनल नेशनल एंड सोशोग्राफिकल सैटेलाइट सिस्टम्स। अब ये तीनों का जो हम लोग का जो बेसिकली हम लोग का कहने का मतलब उद्देश्य मेरा क्या है, क्योंकि GSLV जो प्रोजेक्ट करता है इन दोनों सैटेलाइट्स का काम क्या क्या है। इनसैट इज मेनली यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशंस,
टेलीकम्युनिकेशन में आप सिर्फ ये मत समझो कि आपको एक जगह से दूसरे बहुत दूर देशों में मोबाइल में बात करने को होगा, या फिर यू कैन जस्ट मेक अ वॉइस कॉल और मैसेज। इसके अलावा भी टेलीकम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि नेट पैक देना, या फिर डेटा सेंड करना, या फिर लेना किससे, डेटाबेस बनाना, या फिर कोई भी एक सॉफ्टवेयर को चलाना, या फिर प्रॉपरली ओशनिक वेव्स में, या फिर माउंटेनियस रेंजेस में भी हम लोग अगर नेट की ज़रूरत होती है, नेटवर्क की ज़रूरत होती है, तो इन सारे के सारी चीज़ें इनसैट का काम होता है। इसके अलावा हमारा इनसैट जो है GPS प्रोवाइड करता है। नया जो हम लोग का एवोल्यूशन है टेक्नोलॉजी में, GPS का एक ट्रैकिंग डिवाइस होता है। इसके अलावा गेमिंग जोन्स में भी यूज़ होता है। यहाँ पे गेमिंग जोन्स में क्यों, सर्वर को अगर हम लोग को हाई रेंज में चलाना है, बहुत सारे लोगों को रूम में लाना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक गेम की बात करूँ जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, पबजी की अगर बात करूँ, तो एक रूम में बेसिकली 100 लोग जाते हैं, 100 प्लेयर्स आते हैं, तो उन सारे 100 प्लेयर्स को सर्वर में लाना, अगर उनमें से कोई एक जन मर गया तो उसके बाद अगर उसने वापस एक बार वापस उसने ट्राई किया मैचिंग करने के लिए, तो वहाँ पे उसको पूरा का पूरा जो जगह उसने इसके पहले देखा था मैप, वापस क्लीन दिखना चाहिए, नए प्लेयर्स का रूम होना चाहिए। वो ये जो सर्वर का जो टेक्निक्स रहता है वो सारे के सारे सैटेलाइट्स में से मिलता है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय इनसैट सैटेलाइट ऑफ GSLV। टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग बेसिकली इनसैट का एक ऑपरेशन है। इसके अलावा जो जियो स्टेशनरी सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होते हैं, दे आर मेनली यूज फॉर सर्टेन टास्क, जैसे कि हम लोग अगर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को अगर उनको कोई अपडेट देना है कि यहाँ पे आप नहीं कर सकते, यहाँ पे आगे आपका एनिमी है, या फिर कोई एक जन उनके जो पर्सनल रहेंगे, आर्मी पर्सनल या फिर नेवी पर्सनल वहाँ पे अटक गए रहेंगे, तो उनका लोकेशन ट्रेस करके उनको जाना, या फिर कोई भी एक जगह डिस्ट्रेस में रहेगा तो वो जगह का लोकेशन, उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस कौन देगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये सिंक्रोनस इसीलिए बोलते हैं हम लोग इसको, क्योंकि ये एक टाइप ऑफ मीडियम में अपना डेटा सेंड करता है। सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस डेटा बहुत अलग होता है। सिंक्रोनस डेटा अगर बोलूँ तो साइन वेव्स कॉस वेव्स में जाएंगे, वो वेव फॉर्मेट में जाएगा, एक टाइप ऑफ अगर साइंस की ज़्यादा बात करूँ तो एक ऐसा वेव सेंड करेगा, एंड दिस वेव कंटेन्स द डेटा दैट इज टू बी सेंड, दैट हैज बीन सेंड फ्रॉम द सैटेलाइट टू द स्पेस स्टेशन और स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ से उधर के लोग इसको एनकोड करते हैं और इसमें जो हमें डेटा फीड किए गई है सैटेलाइट की तरफ से वो हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा अभी असिंक्रोनस की बात करो, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स का अभी एक नया टेक्नोलॉजी को उन्होंने निकाला था, सैटेलाइट को जो भेजा गया है वो स्क्वायर वेव्स में भी उन लोग सैटेलाइट का डेटा सेंड करते हैं। स्क्वायर वेव्स में भी सेम होता है, बस एनकोडिंग का तरीका अलग होता है और उनका वेव फॉर्मेट्स अलग होता है। अभी यहाँ पे हम लोग का एक और चीज़ हम लोग ने एक देखा था कि अगर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस को पोखरान, शायद अगर मूवी आपने देखा रहेगा, तो वहाँ पे इंडियन सैटेलाइट्स को मदद करने के लिए, या फिर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस को मदद करना है, कोई और स्पाई सैटेलाइट हमारे ऊपर चल रहा है क्या नहीं, या फिर हमारे लोकेशंस को देख रहा है क्या नहीं, पिक्चर ले रहा है कि नहीं, ये समझने के लिए कितना हमारे पास टाइम ड्यूरेशन है हमारे ऑपरेशन को क्लियर करने के लिए, उन सारे की सारी प्रोजेक्शंस के लिए IRNSS को यूज़ किया गया है। And it is not only used for military organizations, it is also used for locating a particular region. मतलब GPS प्रोवाइड करना है किसी भी सिस्टम्स को, तो IRNSS सैटेलाइट बहुत यूसेज में आता है। आपके मोबाइल नेटवर्किंग प्लेस में भी आप GPS को यूज़ करते हो, गूगल में भी GPS का है, Zomato या फिर कोई टाइप ऑफ मॉडर्न सॉफ्टवेयर, स्विगी या फिर होम डिलीवरी, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो उनको जो प्रोवाइडेड लोकेशन मिलता है वो कहाँ से मिलता है, they are provided by IRNSS satellite that is shoot out by PSLV rockets. तो दोस्तों इतना तो हम लोगों ने देख लिया कि हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं और नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होते हैं। इसके अलावा अगर हमको क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं स्पेस एक्सपेडिशन में, तो बेसिकली हम लोग ये पूछते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एंड हाउ इज मोर द टेक्नोलॉजी इंक्रीज्ड टू व्यू मोर ह्यूमन काइंड मेजरमेंट्स। मतलब अगर ह्यूमन को अगर वहाँ पे स्पेस में पहुँचना है तो क्या क्या तकनीकी और बढ़ाना पड़ेंगे उनको, या फिर इसके अलावा बेनिफिट्स क्या क्या हैं ह्यूमंस के लिए। हमारे अर्थ का अभी ऑर्बिटल जो है एक्सोलेयर, उसका अगर अपडेट मुझे चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सैटेलाइट कुछ बना है क्या नहीं बना है। ऑल दीज थिंग्स आर ट्राइड बाय द इसरो ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसके अलावा हमें अगर बेसिकली इस लेसन में से अगर और कोई क्वेश्चन आता है तो सवाल एक ही आता है फिल द ब्लैंक्स से फिर मैच द फॉलोइंग में, कि हमारे फर्स्ट
एस्ट्रोनॉट का नाम क्या था जो गए थे स्पेस एक्सपेडिशन के लिए, कौन सबसे ज़्यादा पहुँचे था, मतलब कौन सबसे ज़्यादा देर स्पेस में था, तो इन सारे के सारे आंसर्स का आपको अगर अपडेट चाहिए तो आप मेरे को पूछ सकते हो, मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो एक क्वेश्चन, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया आप उसमें मुझे पूछ सकते हो, या फिर आपको स्पेस एक्सपेडिशन जो लेसन है या फिर ग्रेविटेशन वाले लेसन में आपको कोई और डाउट है तो आप मुझे अपने मेल आईडी में आप क्वेरी डाल सकते हो या फिर क्वेश्चन पूछ सकते हो, व्हाट्सएप में पूछ सकते हो और कमेंट में भी आप डाल सकते हो। सो आई थिंक यू विल लाइक दिस वीडियो, होप यू विल सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, थैंक यू।